हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 30 वीडियो है और पार्ट 30 वीडियो में प्रश्नावली 6.5 पे और क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग 27। कह रहा है प्रश्न संख्या 27 से 29 में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है एक वक्र है x स्क्वायर बराबर में 2i। मैं यहाँ पे एक वक्र ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर बराबर में 2i, इसका दिया हुआ है समीकरण। कह रहा है पर 0.5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु है, ठीक है, यानी एक बिंदु है 0.5। मैं कहीं भी ले सकता हूं, इधर ले लो, कहीं ले लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि वक्र पर स्थित एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक एक्स वाई है, ठीक है। तो यहां से यहां तक की जो न्यूनतम दूरी होगी, यह P बिंदु यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, तो कहीं भी हो, तो वहां से इसकी न्यूनतम दूरी इस बिंदु की क्या होगी। तो मैं इस बिंदु को ए माना नाम मान लेता हूं, ठीक है। चलिए यहां पे हम लोग मान लेते हैं, माना वक्र पर स्थित बिंदु पी एक्स वाई है। वक्र पर स्थित बिंदु क्या है? पी एक्स वाई है, ठीक है, समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है इसे। अब देखो इसके बाद मैं क्या करता हूं, यह दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी न्यूनतम होनी चाहिए। दूरी कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम होनी चाहिए। तो पहले ये दूरी सूत्र हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, यहां से यहां तक की दूरी निकालने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे अगर मैं कहूं ये ए से पी के बीच की दूरी, मैं कुछ मान लेता हूं, जेड मान लेता हूं। माना बिंदु ए से पी की दूरी जो है वह जेड है, ठीक है। तो यहां से जेड बराबर में हो जाएगा रूट अंडर एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर। हम लोग दूरी सूत्र में ही ना पढ़े हैं जी, दूरी सूत्र पढ़े हैं ना जी, क्लास 11th में भी पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े हैं। तो z बराबर यहां से क्या हो जाएगा, रूट अंडर x का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर। पहले तो ये रूट हटाओ, इसके लिए मैं दोनों तरफ वर्ग कर देता हूं। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बराबर रूट हट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो मैं इसे तोड़ देता हूं इस स्क्वायर को, या ऐसे भी रहने दे सकता हूं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपके पास कह रहा है कि एक्स स्क्वायर जो है 2y के बराबर है, एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 2y के बराबर है। तो मैं इसको हटाकर 2y नहीं लिख सकता हूं जी, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो जेड स्क्वायर बराबर 2y प्लस, इसको तोड़ दूंगा तो अच्छा रहेगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस में 25, यही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो जेड स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर पहले लिख लेता हूँ बड़े वाले को, बड़ा घात वाले को, फिर ये देखो घटेगा तो माइनस का 8y और प्लस का 25। मैं इसको ये चूंकि जेड स्क्वायर के रूप में है, तो मैं इसे कुछ और मान लेता हूं। मैं यहाँ पे इस जेड स्क्वायर को क्या मान लू, कुछ मान लू, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ पी, ठीक है। चलिए मान लिया, यानी कि अब पी बराबर में मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 25। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो डी पी बटा में डी वाई क्या हो जाएगा, 2y माइनस 8। अब देखिए देयरफॉर डी पी बटा में डी वाई बराबर 0, यानी 2y माइनस 8 बराबर 0, 2y बराबर 8, y बराबर में आ जाएगा 4, y का मान 4 आ गया। और चूंकि डी पी बटा में डी वाई बराबर में है 2y माइनस 8, अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू किसके, y के, डी स्क्वायर पी बटा में डी वाई स्क्वायर बराबर में 2 आएगा, हमें y बराबर 4 पे देखना है। एट y इक्वल टू 4 डी स्क्वायर पी बटा में डी वाई स्क्वायर जो होगा, यह आपका क्या होगा, 2 ही होगा, कॉन्स्टेंट जो है वो कि 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है यानी कि न्यूनतम हो गया, यानी y बराबर 4 पर दूरी जो थी a से p की न्यूनतम होगी y बराबर 4 पर। तो हमें x का भी तो मान निकालना होगा ना जी, x का मान निकालना होगा। तो चूंकि हमारे पास वक्र का समीकरण दिया है x स्क्वायर बराबर 2y,
तो एक्स स्क्वायर बराबर टू वाई के जगह पर मैं चार रख देता हूँ, एक्स स्क्वायर बराबर आठ, यानी x बराबर में आ जाएगा रूट अंडर प्लस माइनस, ये बिंदु है इसलिए प्लस माइनस में हो सकता है, यानी x बराबर प्लस माइनस दो रूट दो। तो एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला दोनों लेना पड़ेगा, इसलिए अभीष्ट बिंदु जो होगा, अभीष्ट बिंदु जहां से उसकी दूरी न्यूनतम होगी जीरो और पांच की, वह क्या हो जाएगा दो रूट दो कॉमा चार, एक्स का मान और वाई का मान, या ये भी हो सकता है माइनस का दो रूट दो कॉमा चार, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, दो रूट दो कमा चार, ए नंबर आपको दिख रहा है, अगर माइनस दो रूट दो कमा चार रहता वो भी आपका आंसर हो सकता था। चलिए अगला।